आज हम फोटोशॉप का बेसिक देखना है। पहले फोटोशॉप ओपन कर दीजिए, बाद में हमको क्या करना है, एक न्यू फाइल लेना है। न्यू फाइल का शॉर्टकट कंट्रोल एन ले लिया। अभी देखो कुछ कॉस्ट्यूम साइज का प्रीसेट ले लिया। न्यू डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो गया 1920x1080 भाई पिक्सल पे मैं सेट कर रहा हूँ। रिजोल्यूशन 72, कलर मोड आरजीबी, आरजीबी का फुल फॉर्म रेड ग्रीन ब्लू। ओके, पहले मेरा ट्यूटोरियल से बोला था आरजीबी सीएमवाई के मोड, टोटल मोड पे बारे में बोला था। आप देख सकते हो मेरा पहला वाला ट्यूटोरियल। ओके, अभी ओके कर दीजिए। हमारा पहला टूल है ये कि मूव टूल। ओके, अभी देखो हमें ऑन टाइटल वन का एक डॉक्यूमेंट लिया था, वो ऑन टाइटल वन को हम कैसे नाम चेंज कर सकते हो, कैसे साइज चेंज कर सकते हो, वो हमको पता चलना चाहिए। अभी हमको यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इमेज साइज लेने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे साइज कितना है, क्या क्या है, फिर से भी तो चेंज कर सकते हो। देखो ऊपर चेंज करने से नीचे वाला चेंज हो रहा है, वो सब यहाँ पे लिंक है, वो लिंक को अनलिंक कर दीजिए। ओके, नहीं हो रहा है ना? अच्छा हो गया। अभी देखो पिक्सेल पे सेट करो, देखो हो गया और कुछ नहीं। स्केल स्टाइल कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन चेंज करना है, 1920 दे दीजिए, इसके बाद 108 हो गया। तो अभी देखो मूव टूल यहाँ पे तुम फोटोशॉप पे जो भी काम करना है यहाँ पे डबल क्लिक करने से तुम इमेज आ रहे। इमेज आने के बाद इनके ड्रैग करके रखो, हो गया। देखो मूव टूल का काम ओनली मूव करना है, किसी चीज को उधर इधर करना है, उनका पोजीशन चेंज करना है तो सिलेक्ट मूव टूल। यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बार पे वो ऑटो सिलेक्शन ऑफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड नहीं होगा, तो ऑटो सिलेक्शन ऑन करोगे तो जिसी के ऊपर तुम क्लिक करोगे वो लेयर सिलेक्ट होगा। ओके, देखो क्लियर। सेकंड, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। वो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल चारी तरफ जो बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो ऑफ करोगे तो ऑफ ऑन ऐसा हो रहा है। थोड़ा लार्ज कीजिए, लार्ज करने से पता चलेगा क्या हो रहा है। देखो ऑफ ऑन। उसी के बाद उनका क्लिक करो, अदरवाइज वो नहीं हुआ तो कंट्रोल टी मार सकते हो। कंट्रोल टी मारने के बाद तुमको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल एक्टिव हो गया। अभी राइट क्लिक करो, देखो मेरा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हाँ फ्लिप वर्टिकल हो गया। ऐसे ऐसे तुम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। चाहिए तो स्केल करना है तो स्केल कीजिए। ओके, फिर से राइट क्लिक, रोटेशन, देखो रोटेशन ऑप्शन आ गया, तुम रोटेट कर सकते हो, नहीं तो वो रोटेशन ऑन किया नहीं तो बाद में फिर से उसे क्या ऊपर माउस जाएगा तो रोटेशन ऑन हो जाएगा। ओके, देन अभी देखो उसी के ऊपर राइट क्लिक करो, स्क्यू मारने से तुम्हारा ऐसे सेफ हो रहा है, तुम भी इसे इसे कर सकते हो। ओके,
बाद में राइट जी क्लिक डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट से देखो वन साइड, ओके। फिर से रैप पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से होगा, देन रैप वो मेस क्रिएट होगा, मेस को तुम लेके ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ये मूव टूल का काम, मूव टूल तुम फोटोशॉप पे जो भी काम करना है पहले लेयर चूज करना है, सब कुछ इंडिविजुअल लेयर से लेके काम करना है। इंडिविजुअल लेयर लेके काम करने से तुमका आसान हो जाएगा कि तुम फ्यूचर पे कुछ चेंज करना है तो सब कुछ लेयर लेके काम करो। इसी काम के बाद देखो मूव टूल से वो दोनों ऑप्शन हाईलाइट है, वो सब हिडन है। वो हिडन क्यों है बाद में बोलूंगा। देखो लेयर, लेयर नंबर वन, इसी को डबल क्लिक कीजिए, इमेज रीनेम कर सकते हो, चाहिए तो डिलीट करना है, नीचे डिलीट का बटन है वो डिलीट कर सकते हो, ऐसे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल जेड अंडू, अदरवाइज तुम डिलीट बटन मार सकते हो। डिलीट बटन मारने से तुम्हारा इमेज डिलीट हो गया, ओके। वो इमेज को थोड़ा सॉफ्ट करना है, क्या उनको कॉपी करना है, कंट्रोल जे, देखिए कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल जे, लेयर कॉपी। नहीं तो और कैसे करना है, उनको थोड़ा क्लिक कीजिए ड्रैग करके, यहाँ पे न्यू लेयर है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, न्यू लेयर पे क्लिक करने से वो कॉपी हो रहा है, ओके ठीक है। मैं कंट्रोल जे मार के कॉपी कर रहा हूँ, देखो वो भी लार्ज करना है, साइड पे करना तो वन साइड हो रहे, तुम कंट्रोल सॉरी ऑल्ट एंड शिफ्ट एट ए टाइम प्रेस करो, एक कॉर्नर को चूज करो, ड्रैग करो, वो दोनों तरफ से ड्रैग होगा इक्वली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड लार्ज होगा, तुमको बड़ा करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। अभी नीचे वाला जो लेयर है उसी लेयर को थोड़ा कलर कम करना है, यहाँ पे ओपासिटी एक ऑप्शन है, ओपासिटी कम कर दीजिए। ओपासिटी कम करने से आपको पता चलेगा कि मेरा नीचे एक बैकग्राउंड पे एक इमेज और फोरग्राउंड पे 100% कलर लेके एक इमेज है, बैकग्राउंड पे मर्ज हुआ है एक, अदरवाइज तुम नीचे जो लेयर है उनका ओपासिटी का कुछ शॉर्टकट है, 0 0 जैकि 100%, 9 9 हो जी 90%, 8 80%, 7 7%, 6 6%, 5 50%, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, 4 40%, 3 30%, 2 20%, 1 110%, 0 100%, अभी 4 40%, ठीक है मेरा छोड़ दिया। ये है तुम्हारा मूव टूल का काम, तुम चाहिए देखो ऑटो सिलेक्ट फिर से ऑफ कर दिया, अभी वही सिलेक्ट हुआ, नीचे वाला हो रहा है क्या, नहीं, अभी ऑटो सिलेक्ट ऑन कर दीजिए, नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, ओके। वो शो ट्रांसफॉर्म को ऑफ कर दीजिए, शो ट्रांसफॉर्म ऑफ करने से बाउंडिंग एरिया विजिबल नहीं हो रहा है, बाउंडिंग एरिया विजिबल ना होने से हमको काम करने का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल एक ऑप्शन है, उसी को लेके तुम काम कर सकते हो, ठीक है। ये है मूव टूल का काम, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।